कुदेव जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल, काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे टॉप एमसीक्यू सीरीज में, जिसमें क्या किया जा रहा है, तो संपूर्ण सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आपको कराई जा रही है। कल तक हमने देखा था कि कैसे महात्मा गांधी जी द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा पर आए, द्वितीय छत्तीसगढ़ में यात्रा में आने का उनका क्या उद्देश्य था, उनके साथ कौन कौन आए, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत उन्होंने कितने दिन निवास किया और अपने निवास के दौरान गांधी जी के द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए। इसके अलावा हमने देखा कि 1935 अधिनियम के तहत 1937 में जो चुनाव हुए उसके अंतर्गत कौन कौन से मंत्रिमंडल थे। फिर हमने ये भी देखा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था उसका छत्तीसगढ़ में क्या क्या प्रभाव हुआ था। इसके अलावा कुछ अन्य बीच बीच के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की थी। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं छत्तीसगढ़ का जो पार्ट 4 है उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें आज हम भारत छोड़ो आंदोलन से आगे के विषयों पर क्या करना शुरू करेंगे, चर्चा करना शुरू करेंगे। देखते हैं सबसे पहले कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक से बंबई से लौटते हुए छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर गिरफ्तार हुए, मलकापुर, मुर्तिजापुर, दुर्गापुर, अचलपुर, इसमें से किस स्थान पर जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं वो 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार हुए थे, ये आपको पूछा जा रहा है। जल्दी से आप अपना आंसर लगाएं। लगा लिया आंसर आपने? चलिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कुछ चर्चा कर लेते हैं। हेडिंग डालेंगे आप भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि किस कांग्रेस की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ था। कांग्रेस की बैठक, दो बैठक, दो अधिवेशन हमको ध्यान रखना है कांग्रेस का। पहला है हमारा 14 जुलाई 1942 कांग्रेस का वर्धा अधिवेशन, ठीक है, कौन सा अधिवेशन, कांग्रेस का वर्धा अधिवेशन। कांग्रेस के इस वर्धा अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है, क्या हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। और अगला आपको ध्यान रखना है 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान, बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में हुए अधिवेशन में संशोधन के साथ भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक है, क्या हुआ, तो संशोधन के साथ भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव क्या हुआ,
पारित हुआ। कब पारित हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को। कहां पर हो रहा था कांग्रेस का अधिवेशन? तो कांग्रेस का अधिवेशन बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में क्या हो रहा था? तो अधिवेशन हो रहा था, जिसमें क्या हुआ तो संशोधन के साथ जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसका प्रस्ताव पारित हुआ था। इस 8 अगस्त 1942 को जो बंबई में अधिवेशन हो रहा था, इसमें छत्तीसगढ़ के नेता कौन कौन से जो नेता थे छत्तीसगढ़ के, वो इस बंबई में होने वाले ग्वालियर टैंक मैदान में होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में जो अधिवेशन चल रहा था उसमें भाग लिए थे। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पंडित रविशंकर शुक्ल, द्वारिका प्रसाद मिश्र, घनश्याम सिंह गुप्त, बैरिस्टर ठाकुर, छेदीलाल, डॉक्टर खूबचंद बघेल, इन सब नेताओं ने क्या किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के इस अधिवेशन में, बंबई के ग्वालियर टैंक अधिवेशन में क्या किए थे? तो भाग लिए थे। जिसके उपरांत इस अधिवेशन से वापस लौटने के दौरान, ठीक है, कौन से अधिवेशन से वापस लौटने के दौरान, तो इस बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से में होने वाले अधिवेशन से वापस लौटने के दौरान नौ अगस्त 1942 को मलकापुर स्टेशन, ठीक, कौन सा स्टेशन, तो मलकापुर स्टेशन महाराष्ट्र से ऑपरेशन जीरो आवर्स के तहत, ठीक है, किसके तहत, तो ऑपरेशन जीरो आवर्स के तहत क्या किया जाता है, इन सभी नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है, इन सभी नेताओं को गिरफ्तार कर नागपुर जेल में रखा जाता है। ठीक, कहां से गिरफ्तार हुए, तो मलकापुर से गिरफ्तार हुए, और मलकापुर से गिरफ्तार होने के उपरांत इन सभी नेताओं को कहां रखा गया, कहां कैद किया गया, तो नागपुर जेल में इनको कैद किया गया था। ठीक, क्या बोल रहा है, कांग्रेस की बैठक, पहला हमने क्या देखा, 14 जुलाई 1942 को, और इस 14 जुलाई 1942 के कांग्रेस के अधिवेशन में, वर्धा अधिवेशन में, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव क्या होता है, पारित होता है। और इसके उपरांत 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, ठीक है, कहां पर, तो बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में संशोधन के साथ भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो क्या होता है, पारित होता है। जिसमें इस बंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के कौन कौन से नेता शामिल हुए, तो पंडित रविशंकर शुक्ल, द्वारिका प्रसाद मिश्र, घनश्याम सिंह गुप्त, बैरिस्टर ठाकुर, छेदीलाल, खूबचंद बघेल, ये सभी नेता क्या किए थे, इस अधिवेशन में भाग लिए थे। अधिवेशन में भाग लेने के उपरांत जब ये वापस छत्तीसगढ़ आ रहे थे, तब इन नेताओं को 9 अगस्त 1942 को मलकापुर स्टेशन महाराष्ट्र में ऑपरेशन जीरो आवर्स के तहत, ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर्स के तहत क्या किया जाता है, इन सभी नेताओं को मलकापुर स्टेशन से गिरफ्तार किया जाता है, और गिरफ्तार करने के उपरांत इनको कहां ले जाया जाता है, तो नागपुर, और नागपुर जेल में क्या किया जाता है, इनको कैद किया जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया, प्रारंभिक पृष्ठभूमि समझ में आ गई किसकी, तो ऑपरेशन जीरो आवर्स के तहत इनकी गिरफ्तारी, कहां से गिरफ्तारी, तो मलकापुर स्टेशन से गिरफ्तारी, भारत छोड़ो आंदोलन कैसे आया, कौन से अधिवेशन में पारित हुआ, चीजें समझ में आ गई। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको।
क्वेश्चन कह रहा है किस स्थान पर जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं वो गिरफ्तार हुए थे। तो किस स्थान पर हुए थे, अभी हमने देखा मलकापुर में, ठीक है, कहां पर, तो मलकापुर में छत्तीसगढ़ के नेता क्या हुए थे, गिरफ्तार हुए थे। क्लियर है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखें हम, अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे, बोल रहा है आर के पाटिल, मिस्टर गेयर, ईडी ब्रेट, मोहम्मद अली, इनमें से कौन थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर थे। कौन थे, जल्दी आप अपना आंसर लगाएं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे, तो रायपुर के जो डिप्टी कमिश्नर थे वो थे आर के पाटिल। ठीक, कौन थे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर आर के पाटिल थे। क्लियर, समझ में आ गया, आगे पढ़ें। अभी मैं बताऊंगा आर के पाटिल का क्या क्या कार्य है, अभी भारत छोड़ो आंदोलन में कहां पर इनका नाम आएगा। ठीक, सबसे पहले तो आपको जानना है कि रायपुर के क्या थे, ये डिप्टी कमिश्नर थे। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के रायपुर में स्थित निम्नलिखित में से किस शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों ने सक्रिय भाग लिया था, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन में किस शिक्षण संस्थान ने क्या किया था, तो जो भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था उसमें भाग लिया था सक्रिय रूप से, राजकुमार कॉलेज के, सेंट पॉल स्कूल, राष्ट्रीय विद्यालय, छत्तीसगढ़ कॉलेज, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, किसके विद्यार्थियों ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था, ये बताना है आपको, बताएं जल्दी आप अपना आंसर दें, किसके विद्यार्थियों ने क्या किया था, तो इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था, तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने क्या किया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। राष्ट्रीय विद्यालय का क्या कार्य है अभी आगे देखूंगा मैं। ठीक, अगला, बंबई के कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बंबई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में इस राज्य में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस और सभा का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। ठीक, क्या बोल रहा है आपको, तो सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी उपरांत जो राज्य है उसके रायपुर में 9 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस और सभा का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। खूबचंद बघेल ने किया था, रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने किया था, त्रेतनाथ तिवारी ने किया था, कि रणवीर सिंह शास्त्री ने किया था। जल्दी बताएं आप अपना आंसर, लगा लिया आपने आंसर, देखते हैं होता क्या है। हमने देखा कि ऑपरेशन जीरो आवर्स के तहत क्या कर लिया जाता है, तो देश के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी होती है, जिसमें छत्तीसगढ़ के भी सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है, जिसके उपरांत भारत छोड़ो आंदोलन की जो कमान है वो कौन संभालते हैं, तो भारत छोड़ो आंदोलन की कमान युवा नेताओं के द्वारा संभाली जाती है, इसलिए भी भारत छोड़ो जो आंदोलन है उसको क्या कहा जाता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन को एक नेतृत्व विहीन आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन को एक नेतृत्व विहीन आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक, अब जब सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है तो रायपुर में, ठीक है, कहां पर, रायपुर में एक विशाल जुलूस का आयोजन किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, विशाल जुलूस का आयोजन। ठीक, कब होता है, तो समय आपने ऊपर देखा था क्या, तो 9 अगस्त 1942। ठीक, इसके नेता रहते हैं त्रेतानाथ तिवारी। ठीक है, नेता कौन है, तो त्रेतानाथ तिवारी क्या रहते हैं, इस विद्रोह के प्रमुख नेता रहते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है, और इसमें इनके सहयोगी में मुख्य रूप से नाम आता है जय नारायण पांडे, कमल नारायण शर्मा, रणवीर सिंह शास्त्री,
रणवीर सिंह शास्त्री, माधव प्रसाद परगनिया, माधव प्रसाद परगनिया ये सब क्या रहते हैं, तो ये सब क्या रहते हैं, इनके प्रमुख सहयोगी रहते हैं। किनके? तो त्रेतानाथ तिवारी के। अब होता क्या है, हमने देखा 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया। पारित होने के बाद लगातार दूसरे ही दिन ऑपरेशन जीरो आवर्स के तहत गांधी जी के साथ ही देश के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, और देश के इन सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के साथ साथ छत्तीसगढ़ के नेताओं की भी क्या हुई, छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख नेता हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई, जिसके विरोध में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को क्या किया गया, विशाल जुलूस का आयोजन किया गया। ठीक है, क्या किया गया, तो विशाल जुलूस का आयोजन किया गया, जिसके प्रमुख नेता कौन थे, तो त्रेतानाथ तिवारी थे। इस जुलूस में क्या किया गया, तो रायपुर के अंतर्गत सभी स्कूल कॉलेज जितने भी बाजार थे इन सबको क्या किया गया, बंद किया गया, और एक विशाल जुलूस रायपुर के मुख्य सड़कों से होते हुए क्या हुई, निकली। जिसके उपरांत इस जुलूस के समय में ही क्या किया गया, तो अंग्रेजों भारत छोड़ो एवं गांधी जी जय के नारे लगाए गए। ठीक है, क्या किए गए, तो अंग्रेजों भारत छोड़ो एवं गांधी जी की जय के नारे लगाए गए। कहां पर लगाए गए, तो इस जुलूस में लगाए गए। ठीक है, और इस जुलूस में क्या था, तो इस जुलूस में सभी वर्ग के जो लोग थे वो शामिल थे, जैसे विद्यार्थी हो गया, व्यापारी हो गए, मजदूर हो गए, ये सभी क्या थे, तो ये सभी वर्ग जुलूस में शामिल थे। क्लियर है यहां तक, बात समझ में आ रही है। जिसके उपरांत ये जुलूस जो है आगे चलकर एक सभा में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, और जिस सभा का नेतृत्व या जिस सभा का मुख्य नेता कौन रहता है, त्रेतानाथ तिवारी रहते हैं। और इस सभा में जय नारायण पांडे, कमल नारायण शर्मा, रणवीर सिंह शास्त्री ने भी क्या किया था, अपना एक योगदान दिया था। तो रायपुर के अंतर्गत जो विशाल जुलूस का आयोजन किया गया उसके प्रमुख नेता कौन, त्रेतानाथ तिवारी, जिसके अंतर्गत क्या किया गया था, रायपुर के सभी स्कूल कॉलेजों को क्या करवाया गया था, बंद करवाया गया था। इस विशाल जुलूस के अंतर्गत सभी वर्ग, मतलब वर्गों में क्या, तो विद्यार्थी वर्ग, मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, सभी वर्ग क्या हुए थे, शामिल हुए थे। रोड पर क्या किया जा रहा था जुलूस के दौरान, तो अंग्रेजों भारत छोड़ो एवं गांधी जी की जय के नारे लगाए जा रहे थे। और साथ ही क्या हुआ, तो यही जो जुलूस रहती है वो क्या होती है, आगे जाकर एक सभा में तब्दील हो जाती है। फिर इस सभा को कौन संबोधित करते हैं, तो इस सभा को त्रेतानाथ तिवारी संबोधित करते हैं और लोगों को भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ने की अपील करते हैं, सबको प्रेरित करते हैं कि आप क्या करें, लगातार अंग्रेजों का विरोध करें, जहां अंग्रेज दिखे वहां उनका विरोध करें, और हम क्या हैं, तो हम अब आजादी के बिल्कुल कगार पर खड़े हुए हैं, थोड़ी सी और हम एकता दिखाएंगे तो फिर हम क्या हो सकते हैं, यहां पे आजाद हम हो सकते हैं और हम एक स्वतंत्र भारत में क्या होंगे, फिर अपना जीवन यापन करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक, फिर देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 अगस्त को एक विशाल जुलूस और सभा का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। ठीक, तो किसने किया था, त्रेतानाथ तिवारी ने किया था। ठीक है, क्या किया था त्रेतानाथ तिवारी ने, तो विशाल सभा एवं जुलूस का आयोजन किया था। ठीक, और इसी विशाल सभा या जुलूस को नियंत्रित करने का जो कार्य है वो कौन करते हैं, तो रायपुर के डिप्टी कमिश्नर आर के पाटिल जी के द्वारा क्या किया जाता है, इस जुलूस को या सभा को नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार का यहां पर अप्रिय घटना ना हो और किसी को भी किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो। ठीक है, इस सभी का ध्यान किसके द्वारा रखा जाता है, आर के पाटिल जी के द्वारा रखा जाता है, जो कि क्या थे उस समय, तो वो उस समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर थे। ठीक है, इस बात को आप ऐड करें वहां पर अपने नोट्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन में 9 अगस्त 1942 को रायपुर में जुलूस का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था। रायपुर में जुलूस का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था, राष्ट्रीय विद्यालय से, गांधी चौक से, सदर बाजार से और आनंद समाज वाचनालय से। कहां से जुलूस का प्रारंभ हुआ था, जल्दी बताएं अपना आंसर आप। ठीक, कहां से हुआ था, तो इसका जो प्रारंभ है वो राष्ट्रीय विद्यालय से हुआ था। ठीक है, कहां से हुआ था, तो राष्ट्रीय विद्यालय से हुआ था। क्लियर है, कहां से हुआ, तो राष्ट्रीय विद्यालय से। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नागपुर के सरकारी भवन पर
तिरंगा झंडा फहराने वाले छत्तीसगढ़ के युवक का नाम था। नागपुर के सरकारी भवन में तिरंगा झंडा फहराने वाले युवक का क्या नाम था ये बताना है आपको। चलो जल्दी बताएं आंसर, आप लगा लिया आंसर आपने। देखें तो नागपुर का जो सरकारी भवन है या नागपुर हाई कोर्ट, नागपुर सरकारी भवन या नागपुर हाई कोर्ट में तिरंगा फहराना, नागपुर हाई कोर्ट में तिरंगा फहराना, ठीक, तिरंगा फहराने का समय पूछे आपको तो आप बताएंगे 9 सितंबर, ठीक है, वो अगस्त था, अब क्या हो गया 9 सितंबर 1942, ठीक है। नेता कौन थे फहराने वाले, तो ठाकुर रामकृष्ण सिंह, ठाकुर राम कृष्ण सिंह, इनके सहयोगी थे बल्लभ दास गुप्ता। सहयोगी कौन थे, तो बल्लभ दास गुप्ता क्या थे, इसके सहयोगी थे, क्लियर है। अब ये जो ठाकुर रामकृष्ण सिंह हैं एवं बल्लभ दास गुप्ता हैं, ये क्या रहते हैं, तो ये नागपुर लॉ कॉलेज के क्या रहते हैं, छात्र रहते हैं, ठीक है, क्या रहते हैं, तो नागपुर लॉ कॉलेज के छात्र रहते हैं। एवं इनके द्वारा क्या किया जाता है, तो नागपुर सरकारी भवन या नागपुर हाई कोर्ट में क्या किया जाता है, तिरंगा फहराया जाता है, जिसके उपरांत ठाकुर रामकृष्ण सिंह को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है, तो ठाकुर रामकृष्ण सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्लियर है। तो आंसर क्या होगा इसका, ठाकुर रामकृष्ण सिंह, और रामकृष्ण सिंह के सहयोगी कौन, तो सहयोगी हैं बल्लभ दास गुप्ता, बल्लभ दास गुप्ता क्या थे, तो बल्लभ दास गुप्ता इनके सहयोगी थे, किनके सहयोगी थे, तो ठाकुर रामकृष्ण सिंह के सहयोगी थे, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता की पत्नी भी 6 माह के लिए जेल गई थी। छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता की पत्नी भी 6 माह के लिए जेल गई थी, ठीक है, ये बताना आपको, पंडित रविशंकर शुक्ल की, ठाकुर छेदीलाल की, क्रांति कुमार भारतीय, डॉक्टर खूबचंद बघेल, किसकी पत्नी भी 6 माह के लिए जेल गई थी। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल की जो पत्नी है वो भी कहां गई थी, तो 6 माह के लिए जेल गई थी, कब, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक। अगला, 1942 के आंदोलन में, आंदोलन के समय रायपुर जेल में आईजी जठार का स्वागत किया गया था गंदे में वंदे मातरम लिखकर, टोपी में वंदे मातरम लिखकर, टोपी में गांधी की जय शब्द लिखकर, गद्दे में गांधी की जय शब्द लिखकर, कैसे जो आईजी जठार थे उनका स्वागत किया गया था, जल्दी लिखें आप, आईजी जठार, कौन आईजी जठार, आईजी जठार जो थे वो उस समय बिलासपुर के अंतर्गत आईजी थे, ठीक है, क्या थे, बिलासपुर के अंतर्गत आईजी थे, और ये जो आईजी जठार रहते हैं ये कहां आते हैं, तो बिलासपुर जेल के अंतर्गत कैदियों के निरीक्षण के लिए आते हैं। तो जब ये कैदियों के निरीक्षण के लिए आए रहते हैं तब उस समय जो बिलासपुर जेल में राजनीतिक कैदी रहते हैं वो क्या करते हैं, तो बिलासपुर के आईजी आईजी जठार को क्या करते हैं, गद्दे पर वंदे मातरम लिखकर अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। अब जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था पिछले वीडियो में कि वंदे मातरम से क्या होते थे, जो भी ब्रिटिश समर्थक होते थे, है ना, वो क्या हो जाते थे, चिढ़ जाते थे, ब्रिटिशर्स चिढ़ते थे वंदे मातरम सुनकर, तो जितने भी राजनीतिक कैदी थे वो क्या कर रहे थे, अपना विरोध वंदे मातरम लिखकर प्रदर्शित कर रहे थे, ठीक। तो ऐसे लोगों के लिए आप भी क्या कर सकते हैं, वंदे मातरम लिखकर अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। चलो लिखिए फिर वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम लिखकर क्या किया गया था, अपना विरोध प्रदर्शन किया गया था, किसमें, किसमें वंदे मातरम लिखकर अपना विरोध प्रदर्शन किया गया था, तो हमने देखा था अभी कि गद्दे में वंदे मातरम लिखकर क्या किया गया था, अपना विरोध प्रदर्शन किया गया था, किसके द्वारा, तो बिलासपुर जेल के राजनीतिक
कैदियों के द्वारा गद्दे पर वंदे मातरम लिखकर क्या किया गया था, तो अपना विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसके उपरांत इन राजनीतिक कैदियों में से श्री भूरेलाल और गणेश प्रसाद, ठीक है नाम लिख के रखना, श्री भूरेलाल एवं गणेश प्रसाद जी को क्या किया जाता है और अलग से विशेष दंड दिया जाता है। श्री भूरेलाल एवं गणेश प्रसाद जी को विशेष दंड दिया जाता है किस कार्य के लिए, तो गद्दे में वंदे मातरम लिखकर आईजी जठार का विरोध करने के लिए। अब भाई मैं अपने देश में रहकर अपने देश का जय न बोल पाऊं क्या, ये तो गलत बात है ना, मैं तो बोलूंगा ही अपने देश में रहकर अपने देश की जय, है ना, भारत में रहकर मैं वंदे भारत, है ना, मैं भारत की वंदे नहीं करूंगा तो और किसकी करूंगा, ठीक है भारत की वंदना नहीं करूंगा तो क्या पाकिस्तान की वंदना थोड़ी ना करूंगा जाके मैं, है ना, भारत में रहकर तो मैं भारत की ही वंदना करूंगा ना, तो मैं तो बोलूंगा ही वंदे भारत। अब उससे आपको चिढ़ लग रहा है, मतलब आप भारत में ना रहो, आप चले जाओ पाकिस्तान में या अन्य किसी भी देश में, वो आपकी दिक्कत है, क्लियर है। तो कैसे विरोध प्रदर्शन, तो गद्दे में वंदे मातरम लिखकर विरोध प्रदर्शन किया गया। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर में 2 अक्टूबर 1942 को निकाले गए जुलूस में निम्न में से कौन से नेता थे, रामचरण श्रीवास, छोटेलाल जोगी, मोहन सिंह, उपरोक्त सभी। कौन कौन से जो नेता थे वो बिलासपुर नगर में 2 अक्टूबर 1942 को निकाले गए जुलूस के निम्न में से कौन से जो नेता थे, ये तीन नेता थे, तीनों में से कोई एक था कि तीनों था ये आपको बताना है। जल्दी आप अपना आंसर लगाएं, चलिए जल्दी आप अपना आंसर लगाइए, लगा लिया आंसर आपने, क्या लगाया आंसर, तो सुनिए होता क्या है, 2 अक्टूबर किस लिए जानते हैं, 2 अक्टूबर आप, तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती, तो उस समय जब 1942 का समय रहता है तो 2 अक्टूबर के दिन बिलासपुर के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो गांधी जन्मोत्सव मनाने का फैसला किया जाता है। 2 अक्टूबर के दिन हम क्या करेंगे, गांधी जन्मोत्सव मनाएंगे। अब जन्मोत्सव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उस समय तो गांधी जी जिंदा थे ना भाई, तो जयंती थोड़ी ना बोलेंगे, ठीक है जी रहे थे, इसलिए क्या बोल रहा हूं मैं, जन्मोत्सव बोल रहा हूं। तो 2 अक्टूबर 1942 को बिलासपुर में क्या निर्णय लिया गया कि हम लोग गांधी जन्मोत्सव मनाएंगे। अब इसकी सूचना जैसे ही प्रशासन को लगती है तो वो क्या कर देती है, बिलासपुर के अंतर्गत धारा 144 लगा देती है, कर्फ्यू लागू कर देती है, ठीक है, जिसके बाद भी, मतलब कर्फ्यू लगाने के बाद भी जो बिलासपुर के नेता रहते हैं भुवन भास्कर सिंह, ठीक है कौन, तो भुवन भास्कर सिंह, ठीक है कौन, भुवन भास्कर सिंह क्या करते हैं, तो एक विशाल जुलूस निकालते हैं किसके उपलक्ष में, तो गांधी जन्मोत्सव के उपलक्ष में। और इसमें इस भुवन भास्कर सिंह के सहयोगी कौन रहते हैं, रामचरण श्रीवास, छोटेलाल जोगी, मोहन सिंह, ये क्या रहते हैं, इनके मुख्य सहयोगी रहते हैं इनके, भुवन भास्कर सिंह के, जिसके उपरांत ठीक है क्या कर लिया जाता है, इन भुवन भास्कर सिंह और इनके सभी सहयोगियों को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या, तो उपरोक्त सभी क्या है, इसका आंसर है, ठीक है क्या है, उपरोक्त सभी इसके आंसर है, क्लियर है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को निकाले विशाल जुलूस के नेता निम्नलिखित में से थे, ठीक है निम्नलिखित में से कौन जो थे वो 9 अगस्त 1942 को जो क्या निकला था, तो विशाल जुलूस निकला था उसके प्रमुख नेता थे, रणवीर सिंह शास्त्री थे, जय नारायण पांडे थे, रामदयाल तिवारी थे कि कमल नारायण शर्मा थे, ठीक है इन तीनों में से, चारों में से कौन से जो तीन नेता थे वो इस 9 अगस्त 1942 को जो विशाल जुलूस निकला था उसमें प्रमुख नेता थे, जल्दी बताएं आप। देखिए हमने देखा था रणवीर सिंह शास्त्री हो गया, ये शास्त्री रखना, ठीक है रणवीर सिंह शास्त्री थे, जय नारायण पांडे थे, कमल नारायण शर्मा थे, रामदयाल तिवारी का नाम अभी हमने नहीं देखा था, तो आंसर क्या होगा आपका 1, 2, 4, कहां दिख रहा है, सी में दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका सी, 1, 2 और 4 क्या है, तो 9 अगस्त को जो जुलूस निकले था उसके प्रमुख नेता थे, ठीक है और इसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो त्रेतानाथ तिवारी हमने देखा था, और इन लोग क्या थे, तो मुख्य सहयोगी थे किसके, त्रेतानाथ तिवारी के। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के काल में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किए गए नेताओं को उनके स्थान से सुमेलित कीजिए, ठीक है कौन कौन से जो नेता थे वो कहां कहां से गिरफ्तार हुए, याकूब अली, हर नारायण वाजपेयी, लक्ष्मण सिंह देशमुख, वी वाई तामस्कर, वी आई हो गया ये, वी वाई कर लेना इसको, वी वाई तामस्कर, वी वाई तामस्कर, ठीक है
किनको किनको कहां कहां से गिरफ्तार किया गया था ये आपको सुमेलित करना है, ठीक है। दुर्ग से, रायपुर से, बेमेतरा और बिलासपुर, ये चार स्थान दिए, चार लोगों का नाम दिया गया है, इसको जल्दी से जल्दी आप सुमेलित करें। लगा लिया आपने आंसर, क्या लगाया? तो देखिए, जो याकूब अली थे, इन याकूब अली को रायपुर से गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। कहां से गिरफ्तार किया गया था? रायपुर से गिरफ्तार किया गया था हर नारायण वाजपेयी, ठीक है। कौन? हर नारायण वाजपेयी। हर नारायण वाजपेयी जी को बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया, ठीक। लक्ष्मण सिंह देशमुख, लक्ष्मण सिंह देशमुख जी को दुर्ग से गिरफ्तार किया गया और वी वाई तामस्कर जी को बेमेतरा से गिरफ्तार किया गया। मतलब 2 4 1 3 कहां दिख रहे हैं? 2 4 1 3 तो 2 4 1 3 आपका सी में नजर आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका? सी इसका आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कौन से तो पीएससी प्री में ये आया था, मेरे को कंफर्म याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन आया जरूर था। अगला बोल रहा है, रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक कौन थे? रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक कौन थे? कुंज बिहारी चौबे, दशरथ लाल चौबे, रघुनंदन सिंह रावल, परसराम सोनी, कौन जो थे वो रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख क्या थे? तो नायक थे। जल्दी से क्या करें आप, अपना आंसर दें, जल्दी अपना आंसर लगाएं। लगा लिया आपने आंसर? चले हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा किसके बारे में, तो रायपुर षड्यंत्र केस के बारे में, ठीक। हेडिंग डालना आप क्या? रायपुर षड्यंत्र केस, रायपुर षड्यंत्र केस, रायपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक। रायपुर कॉन्स्पिरेसी केस, षड्यंत्र केस, समय क्या? तो बताएंगे आप क्या? 1942, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं था, ठीक है। किसे संबंधित नहीं था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं था, से संबंधित नहीं था, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं था, क्या आपका? तो रायपुर षड्यंत्र केस। क्लियर है? समझ में आ गया? समय क्या? तो 1942। स्थान, ईदगाह भाटा चौक और रावा भाटा मैदान, रावा भाटा मैदान, ठीक है। ये क्या था? प्रमुख स्थान था रायपुर के अंतर्गत। नेता कौन? तो इसमें प्रमुख नेता थे कौन? तो परसराम सोनी, ठीक है। कौन? परसराम सोनी। और इन परसराम सोनी जी को छत्तीसगढ़ का भगत सिंह कहा जाता है, ठीक। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का भगत सिंह इनको कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का भगत सिंह कहा जाता है किनको? तो परसराम सोनी जी को। इस काम में इनके मुख्य सहयोगी, ठीक। इस काम में इनके मुख्य सहयोगी, तो पहला आप नाम बताएंगे रणवीर सिंह शास्त्री। कौन? रणवीर सिंह शास्त्री, ठीक। कौन? तो इस कार्य के अंतर्गत इनके प्रमुख सहयोगी कौन? तो प्रमुख सहयोगी में आप नाम बताएंगे किनका? तो रणवीर सिंह शास्त्री। दूसरा नाम आप किसका बताएंगे? तो दूसरा नाम आप बताएंगे दशरथ चौबे, दशरथ चौबे। इसके अलावा आप क्या नाम बताएंगे? प्रेमचंद वाशनिक, प्रेमचंद वाशनिक। और क्या? तो क्रांति कुमार भारतीय, सूरमंगल मिस्त्री, है ना। इन लोग भी क्या थे? तो और भी बहुत सारे लोग हैं, इनका नाम आप मुख्य रूप से ध्यान रखें, ठीक है। तो इन लोग क्या थे? प्रमुख सहयोगी थे। और इसमें इस केस के अंतर्गत मुखबिर, ठीक। कौन? तो मुखबिर, मुखबिर थे शिवनंदन प्रसाद, ठीक है। कौन थे? शिवनंदन प्रसाद। पुलिस का क्या था? ये मुखबिर था। और इसी के सूचना पर ये जो क्रांतिकारी लोग थे ये क्या हुए थे? गिरफ्तार हुए थे, ठीक। अब होता क्या है,
परशुराम सोनी जी जो रहते हैं उनका उद्देश्य रहता है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए क्या करेंगे, तो विस्फोटक निर्माण करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्रांतिकारी गतिविधियों हेतु विस्फोटक निर्माण वो करेंगे। और विस्फोटक निर्माण करने के लिए जो परशुराम सोनी थे वो अमृतलाल जी से लोहे का सामान खरीदते हैं एवं होरीलाल जी से फास्फोरस एसिड जैसे रासायनिक सामान खरीदते हैं। और अमृतलाल जी से ही वो क्या करते हैं, तो बंदूक बनाने की शिक्षा लेते हैं। अब ऐसे क्रांतिकारी गतिविधियों हेतु जो परशुराम सोनी जी रहते हैं वो रायपुर का कौन सा जगह, तो ईदगाह भाटा और रावा भाटा मैदान को चुनते हैं। ठीक है, किस चीज के लिए, तो इन हथियारों के या विस्फोटकों के रख रखाव के हेतु। अब एक दिन हो सकता है क्या बना रहे थे, बम बना रहे होंगे, तो बम बनाते बनाते क्या हो जाता है, वो बम जो रहता है अचानक से फट जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, बम जो है फट जाता है। और फटता है तो आवाज कहां तक चले जाती है, तो आवाज जाती है राजकुमार कॉलेज तक। राजकुमार कॉलेज का जो प्रिंसिपल रहता है, प्रिंसिपल कौन, मिस्टर पियर्स, वो क्या करता है, इस बम फटने की जो सूचना है वो पुलिस को दे देता है। ठीक है, किसको दे देता है, पुलिस को दे देता है, जिसके उपरांत पुलिस क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। अब परशुराम सोनी जी को समझ में आ गया था कि इस स्थान से अब क्या नहीं किया जा सकता, आगे ये विस्फोटक सामग्रियों का निर्माण नहीं किया जा सकता। तब उनकी सहायता की जाती है, जिसके द्वारा वो रहते हैं ओरिएंटल होटल के मालिक। ठीक है, मालवी रोड के अंतर्गत एक होटल रहता है जिसका नाम क्या, तो ओरिएंटल होटल। इस ओरिएंटल होटल के मालिक के द्वारा क्या किया जाता है, तो परशुराम सोनी को अपने होटल में एक कमरा दिया जाता है। अब परशुराम सोनी क्या करते हैं, तो अपने सहयोगियों के साथ में क्या करने लगते हैं, तो ओरिएंटल होटल के उस कमरे में विस्फोटक निर्माण करने लगते हैं। ठीक है, क्या करने लगते हैं, तो ओरिएंटल होटल के उस कमरे में क्या करने लगते हैं, तो विस्फोटक निर्माण करने लगते हैं। ठीक, इसी बीच में फिर क्या होता है कि परशुराम के सहयोगियों में से ही एक कौन, तो ये गद्दार जिसका नाम देख रहे हैं आप, क्या, शिवनंदन प्रसाद। ये शिवनंदन प्रसाद क्या कर देता है, पुलिस को सूचना दे देता है, जिसके उपरांत 15 जुलाई 1942 को परशुराम सोनी को क्या किया जाता है, सदर बाजार से गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, सदर बाजार से गिरफ्तार किया जाता है, किसको, परशुराम सोनी को। अब परशुराम सोनी को गिरफ्तार करने के उपरांत जितने ये क्रांतिकारी थे, इन सभी क्रांतिकारियों के घर में क्या किया जाता है, तो तलाशी ली जाती है। और तलाशी लेने के उपरांत पाया जाता है कि इन सभी के घर से बहुत सारे विस्फोटक सामग्री प्राप्त होते हैं। इन विस्फोटक सामग्रियों के आधार पर इन सभी क्रांतिकारियों को क्या किया जाता है, कैद किया जाता है। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से 10 क्रांतिकारियों का नाम आता है। इन 10 क्रांतिकारियों को, ठीक है, कितने क्रांतिकारियों को, इन 10 क्रांतिकारियों को 27 अप्रैल 1943, ठीक, कब, तो 27 अप्रैल 1943 को क्या होता है, मुकदमा चलते रहता है। तो जो उस समय के मुख्य जस्टिस रहते हैं, ठीक है, कौन, तो नियोगी जी। ठीक है, कौन, नियोगी जी क्या करते हैं, नागपुर हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायमूर्ति रहते हैं नियोगी जी, वो क्या करते हैं, इन 10 क्रांतिकारियों में से 4 क्रांतिकारियों को क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। 10 क्रांतिकारियों में से 4 क्रांतिकारियों को क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। इसके उपरांत मई 1946 में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम रहता है जयदेव कपूर। ठीक है, क्या नाम रहता है, जयदेव कपूर। और ये जो जयदेव कपूर रहते हैं, ये क्या रहते हैं, तो भगत सिंह के मित्र रहते हैं। ये जब आते हैं तो रायपुर में एक सभा आयोजित की जाती है, और इस सभा में वो क्या करते हैं, तो इस सभा में वो निवेदन करते हैं कि क्या होना चाहिए, ये जो भी क्रांतिकारी लोग हैं, इन क्रांतिकारी नेताओं को क्या करना चाहिए, मुक्त करना चाहिए। तब उस समय पंडित रविशंकर शुक्ल, अभी हम लोग देखेंगे आगे, पंडित रविशंकर शुक्ल इस समय 1946 के चुनाव में फिर से चुनकर आते हैं और मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री बन जाए रहते हैं। तो पंडित रविशंकर शुक्ल क्या करते हैं, अपने प्रयासों से ये जितने भी क्रांतिकारी लोग रहते हैं इनको क्या करवाते हैं, मुक्त करवाते हैं। किसके निवेदन के बाद, जयदेव कपूर के निवेदन के उपरांत। ठीक है, किसके निवेदन के उपरांत, तो जयदेव कपूर के निवेदन के उपरांत 26 जून 1946 को। ठीक है, कब, 26 जून 1946 को सभी क्रांतिकारियों को क्या किया जाता है, मुक्त किया जाता है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के भगत सिंह कौन, तो बोलिए परशुराम सोनी जी। अब बोलो, भगत सिंह की जय। ठीक है, कौन, भगत सिंह की जय। हमारे प्रेरणा स्रोत कौन, भगत सिंह जी, और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कौन, तो परशुराम सोनी जी। ठीक है, ऐसे क्रांतिकारियों का ही एक कार्य है या एक परिणाम है उनके
त्याग का, उनके बलिदान का, कि आज हम क्या हैं, तो स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं, हमारा देश स्वतंत्र हो पाया है, इन सभी में, इन सभी हमारे क्रांतिकारियों का क्या है, एक बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अपना खून देकर, अपना जान देकर क्या कराया है, तो भारत को स्वतंत्र कराया है। क्लियर है, समझ में आ गया क्या है क्वेश्चन? तो रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक कौन? तो प्रमुख नायक है आपके कौन? परसराम सोनी जी। ठीक है, कौन है? परसराम सोनी जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला बोल रहा है सूची एक को सूची दो से मिलाइए। ठीक है, रायपुर षड्यंत्र केस, रायपुर डायनामाइट केस, दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी, ठीक है इधर आ गया है इसको देखना, दुर्ग जिला कचहरी में क्या आगजनी, रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस। ठीक है, तो रायपुर षड्यंत्र केस के कौन है मुख्य नेतृत्वकर्ता? तो अभी हमने देखा था रायपुर षड्यंत्र केस के कौन मुख्य नेतृत्वकर्ता? परसराम सोनी जी, है ना, छत्तीसगढ़ के भगत सिंह जी। रायपुर डायनामाइट केस के कौन? तो रायपुर डायनामाइट केस के ईश्वरी चरण शुक्ल जी। ठीक, कौन है? रायपुर डायनामाइट केस के ईश्वरी चरण शुक्ल। ठीक, दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी, तो दुर्ग जिला कचहरी के अंतर्गत आगजनी किया था रघुनंदन सिंगरौल ने। ठीक है, किसने किया था? रघुनंदन सिंगरौल ने। और रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस किसके द्वारा? तो रणवीर सिंह शास्त्री जी के द्वारा क्या किया गया था रायपुर में 10 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों का जुलूस निकाला था। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? मिला लो अब, रायपुर षड्यंत्र केस, परसराम सोनी, सभी में चार दे दिया है। ठीक, रायपुर डायनामाइट केस एक है, तो तीन और चार में दिख रहा है आपको सी और डी में, है ना, तो ए बी क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। ठीक, फिर दुर्ग जिला कचहरी में आग, तो दो, चार, एक, दो, डी क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? डी इसका आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखें। अगला, इनमें से कौन 1942 के रायपुर डायनामाइट षड्यंत्र से संबंधित है? कौन? रायपुर डायनामाइट षड्यंत्र। ठीक है, एक रायपुर षड्यंत्र केस देख लिए, अब दूसरा क्या? रायपुर डायनामाइट षड्यंत्र से संबंधित है। जल्दी से आप अपना आंसर लगाएं। जय नारायण पांडे हैं, सुधीर मुखर्जी हैं, ठाकुर प्यारेलाल सिंह हैं, कि इनमें से कोई नहीं है, कि कौन जो है वो रायपुर डायनामाइट षड्यंत्र से संबंधित है? लगा लिया आंसर आपने? क्या लगाया आंसर? पढ़ ले, चलिए पढ़ लेते हैं पहले हम किसके बारे में, रायपुर डायनामाइट कांड के बारे में। रायपुर डायनामाइट कांड, ठीक, इसमें आप लिखना सबसे पहले तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित। ठीक है, क्या? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित। ठीक है, रायपुर डायनामाइट कांड, रायपुर डायनामाइट कांड का समय, रायपुर डायनामाइट कांड का समय क्या? तो 1944। इसके नेतृत्वकर्ता कौन? तो इसके नेतृत्वकर्ता हैं बिलख नारायण अग्रवाल, बिलख नारायण अग्रवाल। ये क्या है? तो ये इसके क्या है? मुख्य नेतृत्वकर्ता है। साथ ही इनके सहयोगियों की मैं बात करूं, सहयोगी, तो सहयोगी में आप लिखना ईश्वरी चरण शुक्ल या ईश्वर चंद्र शुक्ल, ईश्वरी चरण शुक्ल, नारायण दास राठौर, नारायण दास राठौर, नागरदास बावरिया, सुधीर मुखर्जी, सुधीर मुखर्जी, ये क्या थे? तो ये इसमें प्रमुख इनके सहयोगी थे। ठीक है, किनके सहयोगी थे? तो आपके बिलख नारायण अग्रवाल जी के सहयोगी थे। क्लियर है, समझ में आ गया? किसके सहयोगी? तो बिलख नारायण अग्रवाल के सहयोगी। और इसमें मुखबिर
अविनाश संग्राम, मुखबिर कौन? तो अविनाश संग्राम क्या थे? तो अविनाश संग्राम इसमें मुखबिर थे। अब होता क्या है, तो राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर जो रायपुर के युवा रहते हैं, ठीक है, रायपुर के जो युवा रहते हैं, वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो नेता गिरफ्तार हुए रहते हैं, उन नेताओं को मुक्त कराने की क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। अब मुक्त कैसे कराएंगे, तो ये योजना बनाते हैं कि रायपुर की जो जेल है उसके दीवार को उड़ा देंगे। उड़ाएंगे कैसे, तो उड़ाने के लिए चाहिए कुछ विस्फोटक, विस्फोटक क्या, डायनामाइट। तो ये जो बिलख नारायण अग्रवाल रहते हैं, ये जबलपुर से एक शक्तिशाली डायनामाइट लेकर कहां आते हैं, रायपुर आते हैं, और रायपुर जेल के पिछली दीवार में उस डायनामाइट को क्या करते हैं, लगा देते हैं। लगाने के उपरांत उस डायनामाइट को क्या किया जाता है, विस्फोट किया जाता है, लेकिन वो डायनामाइट थोड़ा सा फुसकी निकल जाता है, ठीक है, फूटता तो है दीवार लेकिन अच्छे से नहीं फूटता, जिससे वहां के जो राजनीतिक बंदी रहते हैं वो भागने में असफल हो जाते हैं, ठीक है। उससे पहले ही वहां पे सैनिक लोग जो है वो क्या होते हैं, आ जाते हैं। सैनिक लोग जब आ जाते हैं तो वहां पर जो ये जो जो योजना बनाए थे वो योजना क्या नहीं हुई, सफल नहीं हुई। अब इसमें ये जो अविनाश संग्राम थे, इनकी मुखबिरी भी काम कर गई, ठीक है, और इनकी मुखबिरी के आधार पर शंका के तौर पर इन सभी लोगों को क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है। किसके आधार पर, तो शंका के आधार पर इन लोगों को सबको गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन कोई प्रूफ न होने के कारण, ठीक है, कोई भी साक्ष्य न होने के कारण इन सभी लोगों को क्या कर दिया जाता है, मुक्त किया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है, मुक्त किया जाता है। और इस घटना में भी छत्तीसगढ़ कॉलेज के जो विद्यार्थी थे वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। साथ ही इसके बाद 1944 में ही ईश्वरी चरण शुक्ल और नारायण दास राठौर को टेलीफोन के तार काटने, है ना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में पुनः गिरफ्तार किया जाता है 1944 के अंतर्गत ही, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, किसमें, तो रायपुर डायनामाइट कांड में, क्लियर है, कब हुआ, 1944 में, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जो जो नेता गिरफ्तार हुए थे उन नेताओं को मुक्त कराने के लिए क्या किया जा रहा था, तो उन नेताओं को मुक्त कराने के लिए ये योजना बनाई गई थी, क्लियर है। तो कौन दिख रहा है, जयनारायण पांडे, सुधीर मुखर्जी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, में से कोई नहीं। तो देखा हमने कि सुधीर मुखर्जी क्या थे, इस घटना से संबंधित थे, क्लियर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन की घटना तथा संबंधित व्यक्ति सुमेलित नहीं है, ठीक। 10 अगस्त 1942 रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस, रणवीर सिंह शास्त्री। 2 अक्टूबर 1942 बिलासपुर में विशाल जुलूस, भुवन भास्कर सिंह। 21 अगस्त 1942 दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी, रघुनंदन सिंह रॉल। अक्टूबर 1942 रायपुर सेंट्रल जेल को डायनामाइट से उड़ाने का प्रयास, परशुराम सोनी। कौन सी जो घटना है वह सुमेलित नहीं है, बोल रहा है, ठीक है, कौन सी जो घटना है वह सुमेलित नहीं है। तो अभी हमने देखा 10 अगस्त 1942 को रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस निकाला गया था, किसके द्वारा, तो रणवीर सिंह शास्त्री जी के द्वारा। 10 अगस्त 1942 को क्या किया गया था, तो रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस निकाला गया था, ठीक है, क्या किया गया था, रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस निकाला गया था। और इस जुलूस में जो हाई स्कूल एवं छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के जो विद्यार्थी थे उनके द्वारा क्या किया गया था, तो इस जुलूस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया था, ठीक है। ये जो जुलूस है ये रायपुर की मुख्य सड़कों से निकाला गया, जिसके उपरांत गांधी चौक के पास रणवीर सिंह शास्त्री को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्लियर है। जिसके उपरांत 26 सितंबर 1942 को रणवीर सिंह शास्त्री जी को ट्रेन के डिब्बे के कनेक्शन काटने, टेलीफोन के तार काटने के आरोप में पुनः उनको गिरफ्तार किया जाता है। 2 अक्टूबर 1942 बिलासपुर में विशाल जुलूस, ठीक है, तो बिलासपुर के अंतर्गत विशाल जुलूस हमने देखा था, गांधी जयंती मनाने, गांधी जन्मोत्सव मनाने का क्या किया गया, निर्णय लिया गया। और धारा 144 लागू होने के बाद भी भुवन भास्कर सिंह ने क्या किया था, अपने सहयोगियों के साथ ये जुलूस निकाल दिया था। अभी मैं बताया था इनके सहयोगी कौन कौन है, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं इनके सहयोगी कौन कौन थे। तो भुवन भास्कर सिंह को क्या किया गया, उनके साथियों के साथ कैद कर लिया गया था। 21 अगस्त 1942 को दुर्ग कचहरी में क्या किया गया, आगजनी किया गया था रघुनंदन सिंह रावल के द्वारा, यह कथन भी सही है, तीनों सही। अभी हमने देखा कि रायपुर जो डायनामाइट कांड है उससे संबंधित नहीं थे कौन, परशुराम सोनी रायपुर षड्यंत्र केस से संबंधित थे, इसलिए आंसर क्या होगा आपका, डी इसका आंसर होगा।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में हुई घटनाओं के संदर्भ में सुमेलित है? छत्तीसगढ़ में हुई घटनाओं के संदर्भ में सुमेलित है। रायपुर में भूमिगत क्रांतिकारी आंदोलन, मगन लाल बागड़ी, रायपुर डायनामाइट कांड, रणवीर शास्त्री, बिलासपुर में रेलवे स्टेशन क्षतिग्रस्त करना राजकिशोर वर्मा, दुर्ग में जिला कचहरी में आग लगाना रघुनंदन सिंह राव। क्या पूछ रहे हैं हमको, कौन सुमेलित है? ठीक है, कौन सुमेलित है ऐसा हमको पूछा जा रहा है। तो आपको इसमें कुछ भी चीजें नहीं भी पता होगी, अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि दुर्ग में जिला कचहरी में आग किसने लगाया था, तो रघुनंदन सिंह रावल ने लगाया था। और हमको पूछ भी क्या रहा है कौन सुमेलित है, तो आंसर क्या होगा आपका, डी इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा, डी इसका आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ गया क्या होगा, तो डी इसका आंसर होगा। अगला, 10 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई हड़ताल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई, जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हड़ताल का आह्वान किया गया, शासकीय हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई, छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई। तो इसका कथन जो है, छत्तीसगढ़ कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं उनके द्वारा क्या किया गया था, जुलूस निकाला गया था और हड़ताल कराई गई थी। ठीक है, क्या कराई गई थी, तो जुलूस निकाल कर हड़ताल करवाई गई थी। किसके द्वारा, छत्तीसगढ़ कॉलेज के जितने भी छात्र थे उन छात्रों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर 10 अगस्त को क्या किया था, तो जुलूस निकाला था। देखिए, अगर आप मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, तो हाई स्कूल जो है, ठीक है, जो हाई स्कूल है ना, उसको क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर शासकीय हाई स्कूल के ऐड कर सकते हैं कि यहाँ के भी छात्र आए, लेकिन प्रमुख रूप से कौन से छात्र शामिल थे, तो छत्तीसगढ़ कॉलेज के छात्र इसमें शामिल थे। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसको हम यहीं तक रखते हैं, आगे हम देखेंगे संविधान निर्मात्री सभा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कौन कौन से प्रमुख सदस्य थे, भारतीय स्वतंत्रता और फिर छत्तीसगढ़ में उसके क्या क्या प्रभाव हुए, कैसे राज्यों का, राज्य जितने भी हमारे रियासत थे उनका विलय कैसे किया गया, इन सब के ऊपर क्या करेंगे हम कल एक विस्तृत चर्चा करेंगे। और फिर कुछ जो चीजें आपकी छूटी हुई है उसके ऊपर उसके बाद आने वाले चीजों पर मैं क्या करूंगा, चर्चा करूंगा, जिसमें मुख्य रूप से विद्रोह वाले पोर्शन आपके होंगे, जिसमें जनजाति विद्रोह, मजदूर विद्रोह है ना, मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन, इन सब चीजों के ऊपर क्या करेंगे हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। कंप्लीट आपकी सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी, मतलब कराई जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।